लोकसभा डुमरियागंज से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए आज जिले में भीम आर्मी समर्थित आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण का आगमन हुआ, जिनके राजा पुलिस पिकेट के पास भारी संख्या में पहुंचकर प्रत्याशी और समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। जिले में 5 दिवसीय प्रवास के लिए पहुंचे रावण ने गाड़ियों के काफिले के साथ उसका से सोहांस, लोटन, मोहाने आदि चौराहा होते हुए रैली निकाली और जगह जगह नुक्कड़ सभा पर प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। मीडिया के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि अब झूठ के वादे नहीं चलेंगे और बाहरी प्रत्याशी को जनता नकारने जा रही है, मैं आ गया हूँ, परिणाम बदल कर जाएंगे। यहाँ लगभग जब मैं आया था 6-8 महीने पहले तो 70% हमारी कमेटियाँ तैयार थी, अब जब मैं आया हूँ तो हमारी 100% कमेटियाँ तैयार हैं। हर बूथ पे, हर सेक्टर पे, विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता और हमारी भाईचारा कमेटियाँ तैयार हैं। 3-3 कमेटियाँ यहाँ हमारे पास हैं, भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी और भाईचारा कमेटियाँ। हम मिलकर एक मजबूत चुनाव लड़ेंगे और चौधरी अमर सिंह यहाँ के बहुत परिचित नाम है, उनके परिवार ने क्षेत्र की खूब सेवा की और सबसे अच्छी बात है कि वो यहाँ के ही प्रत्याशी है, बाकी सब तो बेचारे दूर दूर से अपनी किस्मत अपनाने आए, लेकिन मुझे भरोसा है कि यहाँ की जनता जो है उनको आशीर्वाद देगी, क्योंकि पहले भी उन्होंने विधायक के रूप में यहाँ खूब सेवा की। 15 साल से विकास पुरुष माने जाते हैं, उनसे कैसे लड़ाई मांग रहे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, यहाँ के हालात देख लो, अभी मैं यहाँ से गुजर के आया हूँ, नदियाँ नाले तो दिख रहे हैं लेकिन लोगों के पास अच्छे घर और अच्छे जो है रोजगार की व्यवस्था तो नहीं दिख रही है। सच तो ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी गरीब गरीब है और अमीर अमीर है, और इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं। चुनाव में तो बहुत सारे लोग आएंगे, ये तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। अब की बार 400 पार पर आपका क्या कहना है? कौन कर रहा है 400 पार? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि नारे तो बहुत दिन दे रहे हैं, नारे तो ये भी दे दे कि भाई हम सबको जो है 2-2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हम 15 लाख रुपए, ये भी नारे देते। नारों में सच क्या है? सच ये है कि जनता ये चाह रही है कि कोई काम करने वाला व्यक्ति उनके बीच आए। चौधरी अमर सिंह जो है एक बिल्कुल मजबूत और काम करने वाले जिम्मेदार यहाँ के साथी हैं, और मुझे विश्वास है इस बार जनता उनको विश्वास जताएगी। और नौजवानों की जो महंगाई की रोजगार की लड़ाई हो या आम जनता की महंगाई के लिए, सारी हमें तो लड़ी है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे SSGD का मामला हो, चाहे पुलिस भर्ती का मामला हो, कोई और नेता निकल के थोड़े आए, ये हमें तो लड़ी है, चाहे कितना जुर्म हो, हाथरस का मामला हो, सारे मामलों में तो NRC के मामले सब में हम ही तो खड़े थे, हम ही लड़ रहे थे, बाकी सब लोग तो घर में पड़ के सो रहे थे, चुनाव लड़ने सब आ गए। लेकिन मेरा भरोसा जनता इस बार चौधरी अमर सिंह जी को केंद्र के स्थान पर वोट करेगी। आप लोग कहते हैं कि भाजपा जो है संविधान को खत्म कर देगी, तो लेकिन भाजपा कह रही है कि आप लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया है, वो संविधान खत्म करने नहीं जा रही, वो संविधान के साथ सीधे किसी की संविधान खत्म कर देगी, सोचते तो है भाजपा, वो बार बार उनके नेता भी कहते हैं अभी तो चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है, अभी तो मिशनरी लोग हैं, अंबेडकर लोग हैं, ऐसे खत्म कर देगी, दिन में तारे याद दिला देंगे आरक्षण और संविधान की तरफ किसने आग उठाई, तो अभी तो मांगे ना मैदान में, यही मैं कह रहा हूँ, वो जो कहती है वो करती नहीं है, अब वो बार बार क्यों सफाई देनी पड़ रही है? अगर नहीं दे तो अच्छा संविधान बचाने के लिए क्या किया आपने? ये जो आपने सारा निजीकरण कर दिया है, इसका सारे का राष्ट्रीयकरण कराएंगे दोबारा, चिंता मत करो, नौजवानों को रोजगार नहीं मिले कहाँ जाएंगे, किसानों को आमदनी नहीं मिल रही, और ये पूरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, क्या किया है आप बता दो विकास पुरुषों ने, आप बताओ सरकार ने क्या किया है रोजगार के लिए, कौन से इंडस्ट्रियल एरिया लगाए यहाँ है जवाब किसी के पास? अभी मैं गोरखपुर से भी घूम के आया हूँ, वो इस एम्स के जो पेशेंट हैं यहाँ जो जिला अस्पताल से हायर सेंटर भेजते हैं, वहाँ हायर सेंटर जिला अस्पताल भेज जाते हैं, सिर्फ जो है नामकरण किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया सरकार, और जनता देगी जवाब वोट की ताकत से, अब तो हम यही है ना, और चौधरी अमर सिंह को जब तक पार्लियामेंट ना पहुंचा तब तक संघर्ष जारी रहेगा।